पॉइंट्स टेक्निकल। आज का हमारा टॉपिक है वेब प्रॉक्सी। इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले वेब प्रॉक्सी का ओवरव्यू, इसके क्या फीचर्स हैं और ये कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ओवरव्यू। तो वेब प्रॉक्सी इज अ वेब सिक्योरिटी प्रोडक्ट दैट प्रोटेक्ट योर नेटवर्क अगेंस्ट द थ्रेट अराइजिंग फ्रॉम द वेब। तो वेब प्रॉक्सी ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोडक्ट है जो इंटरनेट से आने वाले वेब ट्रैफिक, जो अनवांटेड वेब ट्रैफिक से हमारे क्लाइंट मशीन्स की, इंटरनल नेटवर्क की सुरक्षा करता है। ठीक है। वेब प्रॉक्सी इज अ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वेब प्रोटेक्शन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वेब प्रॉक्सी एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोडक्ट है, एक ऐसा सिक्योरिटी प्रोडक्ट है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में के प्रोटेक्शन का एक पार्ट होता है। जैसे कि हम फायरवॉल यूज़ करते हैं, एंटीवायरस यूज़ करते हैं, राउटर यूज़ करते हैं, वैसे ही वेब प्रॉक्सी भी एक प्रोडक्ट है जो मेनली फोकस करता है वेब ट्रैफिक पे, HTTP HTTPS पे, जो भी ट्रैफिक होता है वेबसाइट से जाने वाला और आने वाला, उस ट्रैफिक पे भी मेनली फोकस करता है, उस पर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। वेब प्रॉक्सी इज इंस्टॉल्ड एज अ फिजिकल और द वर्चुअल अप्लायंस विच सर्व्स एज अ गेटवे दैट कनेक्ट योर नेटवर्क टू द वेब। तो वेब प्रॉक्सी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट है, या तो ये दो तरीके से होता है, वैसे तो तीन तरीके का होता है, वो हम आगे जानेंगे। सबसे पहले एक फिजिकल बॉक्स भी मिल सकता है इसमें एप्लीकेशन प्रोडक्ट, यदि आप ये यूज़ करना चाहते हैं आपके नेटवर्क में, तो वो हार्डवेयर के साथ भी मिलता है। हार्डवेयर के साथ से मतलब है कि हार्डवेयर एम्बेडेड होगा, उस पर ही ये प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होगा। और यदि आप हार्डवेयर के साथ नहीं खरीदना चाहते हैं तो ये वर्चुअल अप्लायंस, वर्चुअल सर्वर पे भी हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और जब हम इसे नेटवर्क में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये हमारे इंटरनल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में एज अ गेटवे वर्क करता है। जो भी रिक्वेस्ट हम कभी भी इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट इस वेब गेटवे पे जाएगी या इस वेब प्रॉक्सी पे जाएगी। ओके, फिर वहाँ से ये इंटरनेट पे आगे फॉरवर्ड होगी। और द इम्प्लीमेंटेड वेब सिक्योरिटी रूल्स फिल्टर्स द ट्रैफिक दैट गोज आउट एंड कम्स इन। तो इस एप्लीकेशन पे इसके फीचर होते हैं, ऐसा फंक्शन होता है कि हम इस पर रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, रूल डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये ट्रैफिक इंस्पेक्ट होना चाहिए, ट्रैफिक स्कैन होना चाहिए, ये अलाउ होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से हम इस पर रूल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसके बेसिस पे वेब प्रॉक्सी वेब करता है, स्कैन करता है। मैलिशियस एंड इन वाइल यूजफुल मैटर इज अलाउड टू पास थ्रू। इसका मतलब यह है कि जो सिक्योरिटी रूल्स कन्फिगर्ड होते हैं उनके बेसिस पे ही जो है, जो अनवांटेड डेटा है या अनवांटेड वेबसाइट्स हैं उनको ये ब्लॉक कर देता है, और जो यूज़फुल हैं, जो हमने रूल्स में डिफाइन किया है, उन्हें वो अलाउ करता है। ठीक है। विद इन दिस सॉल्यूशन वेब प्रॉक्सी प्रोटेक्ट योर नेटवर्क अगेंस्ट द थ्रेट दैट अराइजेज व्हेन ऑन प्रेमिसेस यूजर्स एक्सेस द वेब फ्रॉम इनसाइड योर नेटवर्क। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वेब प्रॉक्सी जो है सिर्फ बाहर से अंदर आने वाले डेटा, जो इंटरनेट से हमारे क्लाइंट मशीन में कभी डेटा होता है कि जब हम वेबसाइट करते हैं, सिर्फ उसी से हमें प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता है। जब कोई क्लाइंट मशीन हमारे नेटवर्क में होती है और वो जब रिक्वेस्ट भेजती है, कोई वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करती है, तो जो हमारे रूल्स हमने इनमें डिफाइन किए हैं, सिक्योरिटी रूल हमने इम्प्लीमेंट किए हैं इस एप्लीकेशन प्रोडक्ट में, तो इनसाइड से आउटसाइड जाने वाले नेटवर्क पे भी ये स्कैनिंग करता है और वहाँ पे भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हम कोई कोई अनवांटेड वेबसाइट तो एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अगर सातवां पॉइंट ओवरव्यू में है कि वेब प्रॉक्सी क्लाउड सर्विस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दैट प्रोटेक्ट्स वेब यूजेस बाई द क्लाउड यूजर हु एक्सेस द वेब फ्रॉम आउटसाइड ऑफ योर नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल वाइल ट्रैवलिंग और वर्किंग होम। जैसे मैंने बताया कि वेब प्रॉक्सी तीन तरीके का होता है, मेनली एक तो हार्डवेयर बेस्ड हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हुआ कि हम किसी वर्चुअल सर्वर जैसे कि VMware पे इंस्टॉल कर सकते हैं, और तीसरा वेब प्रॉक्सी हुआ जो कि क्लाउड पे है। क्लाउड बेस्ड से मतलब क्या हुआ कि कोई यूज़र अपने ऑफिस में नहीं है, ऑफिस के बाहर है।
फिर भी हम उसे उस पर सिक्योरिटी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो वहाँ वो तो हमारे नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या करते हैं कि जो वेब वेब प्रॉक्सी जो क्लाउड है वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र कहीं भी हो, लेकिन सबसे पहले जब वो इंटरनेट एक्सेस करेगा तो उसका जो मशीन है वो क्लाउड वेब प्रॉक्सी से कनेक्ट होगी। क्लाउड वेब प्रॉक्सी से कनेक्ट होने के बाद वो डेस्टिनेशन सर्वर जो भी होगा, फॉर एग्जांपल गूगल होगा या जो भी, वहाँ पे वो कनेक्ट होगी। ठीक है, तो इससे यूज़र सिक्योरिटी हम उस पर सिक्योरिटी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एज एन इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, वेब प्रोटेक्शन अलाउज यू टू इन्फोर्स द सेम सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर वेब एक्सेस बाई बोथ ऑन प्रेमिसेस एंड क्लाउड यूजर्स। तो जब इस ऐसा इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, इसका मतलब ये है कि हम जो फिजिकल अप्लायंस है हमारे पास, जो वर्चुअल अप्लायंस जो हमारे ऑफिस में रखा है और जो हमारा वेब प्रॉक्सी है जो क्लाउड पे है, हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो ये कि यूज़र यदि ऑफिस में है तो हमारे लोकल सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हम ऐसा उसमें सेटिंग कर सकते हैं, या ये ऑफिस के बाहर है कहीं वो और वो लैपटॉप का एक्सेस कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हमारे जो क्लाउड बेस्ड प्रॉक्सी है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमेशा उस पर सिक्योरिटी पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेड रहेगी और उसे सुरक्षा प्रोवाइड करते रहेगी। और इसका दूसरा फायदा ये भी है कि हम दोनों हैं जो पॉलिसीज हैं हम लोकल अपने ऑफिस से में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और सेम पॉलिसीज जो है वो क्लाउड के साथ सिंक हो जाएगी क्योंकि दोनों इंटीग्रेटेड हैं, तो हम जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे वो क्लाउड पे भी हो जाएंगे, तो सेम चेंजेस हमें दोबारा नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फीचर पॉसिबिलिटी ये है कि हमें इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन में आप लोकल ऑफिस में भी यूज़ कर सकते हैं और क्लाउड पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये एक था वेब प्रॉक्सी का ओवरव्यू। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसके की फीचर्स और ये कैसे काम करते हैं वो देखेंगे, तो बने रहिए हमारे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय। वेलकम टू आवर चैनल क्विक पॉइंट्स टेक्निकल। हमारा अगला टॉपिक है की फीचर्स ऑफ वेब प्रॉक्सी। तो वेब प्रॉक्सी के की फीचर्स में सबसे पहले वेब फिल्टरिंग, जो फिल्टरिंग प्रोसेस है प्रॉक्सी का जो मेन फंक्शन है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है क्योंकि इसमें हम जब किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या किसी पेज को ओपन करते हैं तो कई रिक्वेस्ट जाती है जो कि हजारों किलोमीटर दूर डेस्टिनेशन सर्वर है वहाँ तक पहुँचती है और वहाँ से इंटरनेट के थ्रू वापस हमारी क्लाइंट मशीन तक आती है। तो इन सब रिक्वेस्ट को मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट को उन्हें अरेंज करना, उन्हें स्कैन करना, उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लेना, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो आइए जानते हैं की फीचर्स के बारे में वेब प्रॉक्सी के। सबसे पहला की फीचर है कि वेब प्रॉक्सी कैन रन इन एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी मोड और ट्रांसपेरेंट मोड। ये दो मोड हैं जिनमें प्रॉक्सी मेनली वर्क करती है। एक्सप्लिसिट मोड में ये होता है कि क्लाइंट मशीन को ये पता होता है कि उसके रास्ते में प्रॉक्सी है जिसे जिस पर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना है, प्रॉक्सी आगे का काम करेगी। लेकिन ट्रांसपेरेंट मोड में ऐसा नहीं पता होता है कि आगे प्रॉक्सी है से सिर्फ रिक्वेस्ट सेंड कर देती है और आगे वाली डिवाइस जो भी होती है उसका काम होता है प्रॉक्सी तक, या इसमें प्रॉक्सी मेनली मॉनिटरिंग का काम करती है और प्रॉक्सी तक रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करना, या जैसा भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन होता है जो आगे आगे आने वाले वीडियोस में जैसे हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक पहला फीचर था। उसके बाद इंटरसेप्शन ऑफ द वेब ट्रैफिक, ये दूसरा फीचर है वेब प्रॉक्सी का। सो किसी भी फिल्टरिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन से मतलब है कि जो ट्रैफिक जा रहा है, वेब ट्रैफिक जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, जब हम हमें पता हो कि ये कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ कर रहा है, कौन सा ट्रैफिक है, ये HTTP है, HTTPS है, या FTP ट्रैफिक है, या जो भी ट्रैफिक जिसके लिए हमने वेब प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर किया है उस को इंटरसेप्ट करना। जब वो उसको इंटरसेप्ट करेगा तो उससे वो स्कैन कर पाएगा। ठीक है, तीसरा है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन वेब प्रॉक्सी का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स में से एक है।
क्योंकि ये हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जब जब रिक्वेस्ट हमारे क्लाइंट मशीन से इनिशिएट हुई है, ठीक है, और वो डेस्टिनेशन सर्वर तक, तो वो जो यूज़र रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर रहा है, जैसे ही प्रॉक्सी के पास वो रिक्वेस्ट आएगी, वो सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेगा कि ये वैलिड यूज़र है या नहीं, ठीक है, कोई हैकर तो नहीं है। उसी तरीके से जब रिक्वेस्ट हमारी क्लाइंट मशीन से वेब प्रॉक्सी से जब डेस्टिनेशन सर्वर तक जाएगी और वहाँ से जब डेटा वापस आएगा, तो भी वो वेरीफाई करेगी कि ये प्रॉपर रिक्वेस्ट है या नहीं, ऑथेंटिकेट करेगी जिस यूज़र ने सेंड किया था उसी यूज़र का रिस्पॉन्स है या नहीं। और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि बाहर से यदि कोई हमारे इंटरनल नेटवर्क में रखे रिसोर्सेस हमारे सर्वर को, फाइल्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो यूज़र वैलिड है या नहीं, उसे ऑथोराइजेशन है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले वो ऑथेंटिकेशन फीचर में ऑथेंटिकेट करेगी। ऑथेंटिकेशन के बाद ही वो आगे की जो है उसे रिसोर्सेज अलोकेट करेगी। तो इसके लिए बहुत सारे ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो हम वेब प्रॉक्सी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, जैसे कि NTLM हुआ, LDAP हुआ, RDS हुआ, Kerberos हुआ और भी अदर हुए। और इसके अलावा हम लोकल यूज़र डेटाबेस भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम प्रॉक्सी में ही यूज़र्स को यूज़र नेम क्रिएट कर सकते हैं, मगर वो बहुत ही लिमिटेड यूज़र्स के लिए होगा। तो ये तो ऑथेंटिकेशन मेथड। इसके अलावा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है वेब फिल्टरिंग। वेब फिल्टरिंग जो है एंटी मैलवेयर फीचर, जो वेब प्रॉक्सी का जो एंटी मैलवेयर फीचर होता है, वो हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जो हमारा वेब ट्रैफिक है, इनबाउंड या आउटबाउंड जो भी ट्रैफिक है, इनकमिंग या आउटगोइंग, उसमें कोई वायरस तो नहीं है, ठीक है। एंटी मैलवेयर फीचर्स के थ्रू हम ये डिटेक्ट कर सकते हैं कि यदि है उसमें कोई वायरस जो स्कैनिंग है करते टाइम, तो उसे वो ब्लॉक कर सकता है या फिर उसे अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है जो भी हम कन्फिगर करेंगे। इसका अगला फीचर है यूआरएल फिल्टरिंग। यूआरएल फिल्टरिंग का मतलब है कि जब हम किसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो हमारे हमारे रूल्स में फीचर्स जो हमने कन्फिगर किए हैं उसमें अलाउड है या नहीं, वो यूआरएल की जो कितना सिक्योर है, ठीक है, उस पर जो कंटेंट्स अवेलेबल हैं उनमें। कभी कभी क्या होता है कि हम एक वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वो दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर सकता है, तो ये सारे कंटेंट्स को जब रीडायरेक्ट कर रहा है तो वो दूसरी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो गया, तो उस वेबसाइट, वो जो नेक्स्ट वेबसाइट है वो कितनी सिक्योर है। तो ये सब यूआरएल फिल्टरिंग में होता है कि यूआरएल को प्रॉपरली एनालिसिस करता है, उसके बेस पे वो एक्शन लेता है कि हमें यूआरएल को अलाउ करना है नहीं करना है, ठीक है। मॉनिटरिंग फीचर, मॉनिटरिंग फीचर जो वेब प्रॉक्सी का मॉनिटरिंग फीचर हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ये देख सकते हैं कि भाई हमने किसी इनअप्रोप्रिएट जो या किसी गलत वेबसाइट को एक्सेस किया, तो उससे कुछ अलर्ट्स जनरेट होंगे, ठीक है, वो अलर्ट्स को हम लोग डैशबोर्ड पे देख सकते हैं। हमने कितने वेबसाइट्स को 1 घंटे में एक्सेस किया, कितनी वेबसाइट्स को एक्सेस किया उनके नंबर्स देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। कितनी फिल्टरिंग एक्टिविटीज़, मतलब कितनी वेबसाइट को ब्लॉक किया, कितनी को अलाउ किया, किन पे कौन सा एक्शन लिया, ये सब हमें डैशबोर्ड में देख सकते हैं। हम सिस्टम के बिहेवियर देख सकते हैं कि प्रॉक्सी जो है हम जो यूज़ कर रहे हैं उसका CPU यूटिलाइजेशन कितना है, कोर प्रोसेस कौन सी प्रोसेस सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है, एंटी मैलवेयर, यूआर फिल्टरिंग या और भी कोई जो प्रोसेस हो कौन सी यूज़ हो रही, तो ये सब मॉनिटरिंग के फंक्शन हमें डैशबोर्ड पे अलाउ प्रोवाइड करता है। और ये कहाँ कैसे फीचर होता है, जो हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, जो हमारा वेब ट्रैफिक है, उससे जो लॉग्स जनरेट होते हैं उनको ही एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के रूप में डैशबोर्ड पे प्रोवाइड करता है, जो कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए एनालिसिस के लिए बहुत ईजी होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे वेब प्रॉक्सी के। अगला टॉपिक रहेगा हमारा हाउ प्रॉक्सी वर्क्स, तो हम देखेंगे अगले वीडियोस में, तब तक के लिए गुड बाय। Trà xanh không độ, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhì cuộc sống. Chuẩn bị hát nào. Ủa, quên nhạc cụ rồi, quên đồ. Không... Welcome to our channel Quick Points Technical. हमारा अगला टॉपिक है हाउ प्रॉक्सी वर्क्स, प्रॉक्सी कैसे काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रॉक्सी कहाँ पे नेटवर्क में इम्प्लीमेंट होती है और ये कैसे काम करती है।
तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ओवरव्यू में बताया था कि प्रॉक्सी का मेनली जो वर्क होता है वो वेब ट्रैफिक को स्कैन करना और अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है। तो हमारे नेटवर्क प्रोटेक्शन के लिए होती है, जिसमें कि वेब ट्रैफिक स्कैनिंग का काम प्रॉक्सी का होता है, और ये मेनली हमारे इंटरनल नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में गेटवे का काम करती है। तो जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि नंबर एक पे हमारे कुछ क्लाइंट पीसीज, कुछ क्लाइंट मशीन जैसे लैपटॉप या डेस्कटॉप है। उसके बाद नंबर दो पे हमारे वेब प्रॉक्सी अप्लायंस है, और नंबर तीन पे इंटरनेट है। ठीक है, तो इसका फ्लो ऐसा होगा कि द वर्क फ्लो ऑफ वेब प्रॉक्सी, कि कभी भी सबसे पहले जो रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट इन क्लाइंट मशीन से जाएगी। रिक्वेस्ट का मतलब है कि जब आप अपने पीसी में ब्राउज़र ओपन करते हो और किसी वेबसाइट को खोलते हो, www.google.com या facebook.com, तो वो जो है वो रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट सबसे पहले जाएगी इस प्रॉक्सी सर्वर पे, नंबर दो पे। ठीक है, फिर वहाँ से वो जाएगी नंबर तीन पे, इंटरनेट पे। ठीक है, तो जब ये नंबर दो पे आ रही है तो इस प्रॉक्सी में जो है कुछ रूल्स कन्फिगर किए हैं हमने, कुछ पॉलिसीज कन्फिगर किए हैं। इसमें कुछ मॉड्यूल्स होंगे, मॉड्यूल्स मतलब एंटी मैलवेयर, यूआरएल फिल्टरिंग, डेटाबेस फिल्टरिंग, या जो भी इसमें मॉड्यूल होंगे, उन सभी रूल्स के थ्रू इस रिक्वेस्ट को जाना पड़ेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट जाएगी तो चेक करेगा कि भाई इसमें कोई वायरस तो नहीं है। ठीक है, जो यूआरएल है वो प्रॉपर है या नहीं, ब्लॉक्ड की कैटेगरी में तो नहीं है, ब्लॉक्ड होगी तो वो ब्लॉक कर देगा, और कोई अनवांटेड डेटा तो इसमें नहीं है। ठीक है, वो सब चीज़ों को स्कैन कर लेगा। अब यदि वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिल जाता है प्रॉक्सी को, तो प्रॉक्सी से फॉरवर्ड कर देगी इंटरनेट पे, जो कि नंबर तीन है। ठीक है, नंबर तीन मतलब डेस्टिनेशन सर्वर हमारे गूगल पे पहुँच गया, हमने जो भी पेज ओपन करना था। वहाँ से अब गूगल हमारा जो रिस्पॉन्स भेजेगा, वो रिस्पॉन्स सीधे क्लाइंट मशीन के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा प्रॉक्सी के पास। ठीक है, तो जब वो डेटा आएगा तो प्रॉक्सी उस डेटा को स्कैन करेगी उन्हीं रूल्स के थ्रू। हो सकता है कुछ रूल हमारे रिक्वेस्ट के टाइम पे ना इम्प्लीमेंट हो, वो रिस्पॉन्स के टाइम पे इम्प्लीमेंट हो। तो इट डिपेंड्स कि हम ऐसा कन्फिगर कैसे करते हैं। जब डेटा आएगा तो फिर से जो प्रॉक्सी है उन्हीं जो रूल्स हमने उसमें डिफाइन किया गया, उन रूल्स को अप्लाई करेगा। और मान लीजिए कि हमने किसी गेमिंग वेबसाइट पे या किसी कोई गाना डाउनलोड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ से तो हिट कर दिया कि हमें एक MP3 फाइल को डाउनलोड करना है, और यहाँ पे हो सकता है रिक्वेस्ट में वेब गेटवे ने अलाउ नहीं किया हो, लेकिन जब रिस्पॉन्स हमारा आएगा तो रिस्पॉन्स में वेब गेटवे चेक करता है, वेब प्रॉक्सी जो चेक करता है कि भाई जो MP3 फाइल गाने की डाउनलोड कर रहा है इसमें वायरस है, तो उससे डिटेक्ट करके वो अकॉर्डिंगली ब्लॉक कर लेता है। तो ये जो ब्लॉक करना है और ब्लॉक करने का जो मैसेज है वो क्लाइंट पीसी को भेज देता है कि आपके रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि कैसे ब्लॉक करते हैं? तो इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि हमने अपने की फीचर्स में भी देखा था, इसमें कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि उन मॉड्यूल्स के बेसिस पे ही वेब प्रॉक्सी जो है इन फाइल्स को स्कैन कर पाता है, यूआरएल फिल्टरिंग को स्कैन कर सकता है, और उन मॉडल्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसमें एक्शन ले सकते हैं। इसमें हम इनमें कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं कि कौन सी स्पेसिफिक फाइल को अलाउ करना है, कौन से यूआरएल कैटेगरी को अलाउ करना है। मान लीजिए कि एजुकेशनल वेबसाइट को अलाउ करना है, बट बिजनेस वेबसाइट को ब्लॉक करना है, MP3 फाइल को अलाउ करना है या ब्लॉक करना है, या PDF फाइल को अलाउ करना है। सो ये सभी एक्शन हम ले सकते हैं। तो ये था एक स्मॉल इंट्रोडक्शन कि वेब प्रॉक्सी कैसे काम करता है ना। और आगे आने वाले फीचर जो वीडियोस में, इसमें बहुत डिटेल में हम जाएंगे कि कैसे काम करता है। मैं आपको GUI भी दिखाऊंगा कि कैसा होता है, कहाँ पे हम रूल कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और वेब प्रॉक्सी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे वेब प्रोटेक्शन का, हमारे नेटवर्क प्रोटेक्शन का। तो इसके बारे में और जानकारी के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिए आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।